जी तो आजकल मैं काफी वेला हूँ। टू वन जा टू 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 जा फोर टू थ्री जा सिक्स। मतलब कि मैं शदीद वेला हूँ। हाँ जी, तो आपने ये भी बिल्कुल ठीक गेस किया, इसके आगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा। तो जी हाँ, अभी अभी उठे हैं और दिन का आगाज होता है और अभी अपने लिए हमें नाश्ता तैयार करना है। क्योंकि मेरी माँ ने बनाए आलू अंडे मिन नहीं लगते हैं चंगे। तो हालात तो सारे आजकल के आपके सामने ही हैं। रुकिए जरा, पहले जरा गाना चेंज कर लें। नहीं, ये भी नहीं, चेंज नहीं, चेंज ये भी। हाँ, दो मिनट। हाँ, ये ठीक है, थोड़ी सी डेसिबल फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ पे करके ठीक है। तो मैं आपसे ये देखें, चंद एक बातें करने के लिए तो माहौल बनाना पड़ता है, तो माहौल बनाने में तो आप पहले ही बड़े तेज हैं। अच्छा, तो सर बात ये है कि आजकल यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियाँ हैं और बाहर निकलना भी जो है ना दुश्वार हुआ हुआ है, और ये सारे करामात हैं हमारे पे कोरोना वायरस के। तो लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ रहा है और बहुत ज़ोर से आ रहा है, तो मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर से जैसे वापस आता हूँ तो आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। हाँ, एक छोटी सी बात ये है कि आजकल के जो हमारे कपल हजरात हैं उनके लिए एक मैसेज है कि भाईजान हसबे जायका चुनिया लेने से बाज आ जाएं और दूर से नज़ारे लीजिए और फ्लाइंग किस्से से गुजारे कीजिए। तो जी हाँ, तो अब इसके अलावा बात यह है कि बचा के रखिए अपने प्यारों को भी और अपने घर वालों को भी, और ख़ुद भी बच के रहें इससे। और इसके अलावा आज का हमारा ब्लॉग इसी पे के हमारे आजकल के हालात, तो दिखाता हूँ आपको फिर अपने आपने आजकल के हालात। इसके बाद आपको अपनी वर्क प्लेस पर लेके जाता हूँ कि दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या सिस्टम लगाया हुआ है। और इसके अलावा हाँ, मेजर एक चीज़ की आजकल जिम भी बंद है। तो जी हाँ, ये है भाई का कमरा है खास। देखें, एक ही ट्रांजिशन में भाई अपना काम भी कर रहा है। भाई इज़ वेरी टैलेंटेड। बाकी का टैलेंट आपको इधर आए, जरा कमरे में दिखाते हैं, खुशबू लगा कर आइएगा जरा। ये वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे वालिद साहब ने जमा कर रखी हैं। काम की शिद्दत के बाद जब मैं बहुत थक जाता हूँ, ना जाने क्यों, देख के इनको एक तसल्ली, एक खुशी और राहत मिलती है और एक चैन सा महसूस होता है। सबसे बढ़कर के एक नई उम्मीद मिलती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कभी छोटी से छोटी चीज़ पे भी गौर करें तो बहुत कीमती लगती है। बस महसूस करने का अंदाज फ़र्क होता है। खैर, ये वो तस्वीर है जो मुझे काफ़ी देर पहले एक तोहफे में मिली थी। सबसे पहले तो आइडिया आता है, आइडिया के बाद भाई का एक्सक्यूज आता है कि नहीं, मुश्किल है, इक्विपमेंट की कमी है। इक्विपमेंट आता है तो भाई काम करना शुरू होता है और फिर जहन में सोच आती है कि लोग क्या कहेंगे। और जब ये मसला भी रिजॉल्व हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, तो उसके बाद आ जाता है भाई का बजट। वेरी सैड। तो फिर ये अनस साहब की कोटेशन, करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर, मुर्दे में एक जान सी डाल देती है। और फिर देखें आगे कि कमरे में एडिटिंग के क्या हालात होते हैं। तो ऐ देखो जी, लड़का तो मतलब मुंडा पे नॉट कमिंग स्लो। शट अप कुत्ते। ओ भाई जान, मुंडा पे बदतमीज भी बहुत है। चलो छोड़ो सानू की। तो ये है भाईजान लड़के का छोटा सा स्टूडियो। यहाँ पे ये भाईजान बैठ के पूरा दिन ऐसे ही खपते हैं, आजकल काम सीख रहे हैं अडोब प्रीमियर पे, अडोब फोटोशॉप पे और अडोब एडिशन पे, ताकि आपको बेटर माइक मतलब वॉइस क्वालिटी भी तो मतलब फराहम करनी है। आपके लिए कॉन्टेंट तैयार करना है, अपने लिए करना है, YouTube वालों के लिए करना है। वी आर द कॉन्टेंट क्रिएटर्स गाइज। एनीवेज, तो भाईजान फुल डेडिकेट और मोटिवेट होकर आजकल काम कर रहे हैं। बस ये आप लोगों का प्यार ही नहीं, तो मैंने इस धंधे को आज तक जो है ना यकीन माने मेहनत करते देखा ही है। इवन तो इतना मतलब काम में खूब के करता है कि अगर बीच में मामा की आवाज भी आ जाए ना, तो फिर भी बाहर तो जाना ही है ना, मतलब काम में खूब रहना है। कह करते कराते भी बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं शाम के, और यहाँ से लेके तकरीबन शाम 9 बजे तक यही सीक्वेंस चलता है। और उसके बाद जो बॉय अगर थोड़ा सा थक जाए तो आपके सामने लेकिन नॉवल वगैरह भी पढ़ लेता है बैठ के, और उसके बाद फिर अपना काम वाम करते हैं। और एंड पे ये स्टोरी है कि 9:30 के बाद कुछ थोड़ा डिनर होता है, कुछ थोड़ा रिलैक्स करता है, कुछ थोड़ा कूल डाउन होता है, उसके बाद अगर दिल करे तो दोबारा यहाँ पे आते हैं। नहीं तो आपकी भाभी मतलब सॉरी बात होगी, वो तो जाके अम्मा ने बुलाया की बात। जी सर। खैर जी, ये थे हमारे आजकल के हालात। तो बाकी ये दोनों पागल वागल हैं, इन दोनों की बातों में ना आइएगा, ये हम लड़ते रहेंगे।
तो अब बाकी आपका भाई बैटरी वाला जो ब्लॉग है वो एडिट करेगा, क्योंकि एडिटिंग इज लाइक। पीस।